अच्छा, तो ये था कि हम हेडिंग किस तरह लिखते हैं। अब इसके बाद के अगर हमने अपनी वेबसाइट में पिक्चर लगानी हो तो पिक्चर कैसे लगाएंगे? पिक्चर लगाने के लिए देखें, ये ऊपर एक ऑप्शन है, सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करें। ये इंसर्ट पे क्लिक किया, इसके बाद कॉमन पे, कॉमन के बाद ये एक ऑप्शन है इमेजेस का, इसके साथ ड्रॉप डाउन का बटन भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं। पहला इमेज है, दूसरा इमेज प्लेस होल्डर है, रोल ओवर इमेज है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा कुछ साथ साथ में बताता जाऊँगा। फिलहाल जो हमने अभी सीखना है वो सिर्फ ये है कि पिक्चर कैसे लाते हैं। तो उसमें ये पहला जो है इमेज, इस पर क्लिक करें, ये एक तरीका है। या फिर इसके अलावा इंसर्ट के बटन पे जाके दूसरे नंबर पे ऑप्शन है इमेज का, इस पे क्लिक कर दें। अब अपने कंप्यूटर में जहाँ पे आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है वहाँ से जाके पिक्चर उठाएं। ये देखिए, हम माय डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ से हम माय पिक्चर में चले गए। माय पिक्चर में हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हैं, यहाँ से हम एक पिक्चर चूज कर लेते हैं। ये पिक्चर एक हम ले लेते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ये पिक्चर किसी वजह से आपके वेब पेज पे अगर शो ना हो, कोई इसमें एरर आ जाए, तो वहाँ पे उसकी जगह पे टेक्स्ट कौन सा लिखवाना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ सॉरी दिस पिक्चर इज नॉट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर पिक्चर को उसकी पिक्चर यहाँ से ना मिले तो उसके बाद वो दोबारा पिक्चर कहाँ से उठाए, वो लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। या अगर आप बड़ी डिस्क्रिप्शन कोई लिखना चाहते हैं इसके अलावा कोई और, तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा और ओके कर दिया। आप कुछ ना भी देखें तो आप ओके कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पे आ गई। और ये पिक्चर इसने, ये देखें हमारे इमेज के फोल्डर में ये पिक्चर ड्रीमवीवर ने माय पिक्चर से कॉपी की है और ला के ये रख दी है इमेज के फोल्डर में। अब ये पिक्चर है, इसको आप रिसाइज करना चाहें, इसको लिंक देना चाहें, तो इसकी ये नीचे सारी प्रॉपर्टी ओपन है। इस पे आप इसकी जो एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पिक्चर का साइज़ अगर बड़ा है तो मैं इसको छोटा करने के लिए, ये इसकी विड्थ है 200 कर दी, हाइट है 200 कर दी, ये साइज़ छोटा हो गया। अब अगर मैं इसको कोई पिक्चर का लिंक देना चाहता हूँ किसी का, इसको तो यहाँ पे क्लिक किया। लिंक देने के दो तीन तरीके हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहरहाल अब आप ये देख लें कि लिंक अगर देना हो तो लिंक यहाँ पे आप दे सकते हैं। और इसके अलावा और भी ये ऑप्शन इसमें हैं, इसके ये ऑप्शन उस वक्त यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। देखिए, मैं अभी देखता हूँ,
देखिए अब ये टेक्स्ट इसके साथ थोड़ा सा है और बाकी सारा नीचे चला गया। मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर के साथ यहाँ से ऊपर से ये टेक्स्ट शुरू हो, यहाँ इसके साथ साथ सारा लिखा हुआ। उसका तरीका, ये पिक्चर पे क्लिक किया, नीचे डिफ़ॉल्ट पे इसको लेफ़्ट सेलेक्ट किया, तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे आ गया सारा टेक्स्ट। या इसको अगर मैं राइट सेलेक्ट करूँगा तो ये पिक्चर राइट साइड पर आ जाएगी। इसको मैं अगर मिडल सेलेक्ट करूँगा तो पिक्चर दरमियान में आ जाएगी। यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पिक्चर उसी के हिसाब से आ जाएगी। मैं यहाँ पे लेफ्ट सेलेक्ट करके आपके सामने देखें टेक्स्ट इसके साथ लिखा हुआ। अच्छा, फिर इस पिक्चर में आप फॉर एग्जांपल ये बच्चे की आंख है, इसको मैं एक अलग लिंक देना चाहता हूँ, इसकी दूसरी आंख को एक अलग लिंक देना चाहता हूँ, इसके होंठों को एक अलग लिंक देना चाहता हूँ कि अगर कोई इसकी आँख पे क्लिक करे तो वो किसी और जगह पहुँच जाए, दूसरी आँख पे क्लिक करे तो वो किसी और जगह पहुँच जाए, होंठों पे क्लिक करे तो वो किसी और जगह पहुँच जाए। ये भी एक लिंक है, और लेकिन ये आपको आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट लेसन में सिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये पहले आप लिंक देना सीखेंगे उसके बाद ये चीज़ें आप सारी सीखेंगे।